कि यार हम लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं या इंडीड पे अप्लाई करते हैं तो हमें कोई इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती। मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को लाजमी कॉल आएगी इंटरव्यू। इतनी लोग अप्रोच करेंगे, आपके सीवी को एचआर तक पहुँचाएंगे, और तो इंटरव्यूज़ को नॉर्मल नहीं लिया करो। हम आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माई एंड अदर व्लॉग। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सका, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा मैं बिजी था, कुछ फैमिली में भी कुछ इश्यूज आए थे, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मैं पिछले दिनों में, तो इसलिए मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई। तो आज संडे था तो मैं आज थोड़ा बाहर निकला हुआ हूँ अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा आजकल प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया हुआ है और मैं उस पर सोलो काम कर रहा हूँ और बहुत कम डेडलाइन है जिसकी वजह से मुझे मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, जो मैंने करियर वीडियो स्टार्ट की है दुबई के अंदर, जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं बहुत लोग बहुत ज़्यादा उसको देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रोच किया इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब पे कमेंट किए, तो उनके कुछ मैं सवालों का जवाब देना चाहूँगा। वो सवाल कुछ लोगों ने तो सवाल ये किए हैं कि अपने फील्ड के रिलेटेड उन्होंने पूछा है कि इस फील्ड की दुबई में क्या स्कोप है, उनको मैंने वैसे ही रिप्लाई करके उनको बता दिया, गाइड कर दिया, वॉइस नोट भेजे हैं मैंने लोगों को। लेकिन जो मुझे एक इन्फॉर्मेशन लगी है कि वो मुझे लोगों तक शेयर करनी चाहिए और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब जो लोग दुबई में आ गए हैं या जिधर भी हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जिधर भी हैं, वो कहते हैं कि एक जॉब आई है उस पर हम अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, इंडीड पे करते हैं, तो हमें अप्रोच नहीं किया जाता। तो एचआर जो है उनकी नज़र में हमारी सीवी नहीं जाती या उन रीचेबल नहीं है हम लोग। तो अब मैं कुछ आपको ऐसी गाइडलाइंस बताऊंगा या अप्रोचेस बताऊंगा कि जिसकी वजह से आप लोगों को खुद लोग कॉल करेंगे जॉब के लिए और या आपसे कांटेक्ट लाजमी करेंगे इंटरव्यू के लिए जब आप अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लोग बहुत सारे मुझे कहते हैं कि यार हम लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं या इंडीड पे अप्लाई करते हैं तो हमें कोई इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती, या कोई हमें मतलब दिन में हमने 20 दफ़ा अप्लाई किया या 30 दफ़ा अप्लाई किया लेकिन हमें कोई कॉल वगैरह नहीं आई। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को लाजमी कॉल आएगी इंटरव्यू की, लाजमी आएगी। वो टेक्निक ये है कि लेट से आपने इंडीड पे कोई कंपनी देखी है, आपने जॉब देखी है, आपने उधर अप्लाई किया, आपको अप्रोच नहीं किया गया, आपने उस कंपनी का नाम कॉपी करना है, लिंक्डइन पे जाना है, लिंक्डइन पे जाके पेस्ट करना है, उधर से कंपनी देखनी है, उसकी कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी अच्छी है, फिर उस कंपनी की लोकेशन देखनी है, फिर उधर कंपनी के जो लोग हैं पीपल पे जाके आपने अपने फील्ड के रिलेटेड लोगों को अप्रोच करना है। लेट से आप एचआर की जॉब ढूँढ रहे हो या आईटी की जॉब ढूँढ रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने पीपल में जाके, उस कंपनी के पीपल में जाके आईटी डिपार्टमेंट का फ़िल्टर लगा लेना है या जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका फ़िल्टर लगा के उधर लोगों को पर्सनली मैसेज करने हैं। एक छोटा सा नोट बना लेना कि मेरी ये इंट्रोडक्शन नोट बना लेना, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये वो, तो आपने वो ये वाला नोट सारे लोगों को सेंड करना है, ठीक है। तो इस अगर आप एचआर तक नहीं भी पहुँच पाते ना, तो फिर आपके डिपार्टमेंट के लोग उस कंपनी में जो हैं वो आपकी सीवी आगे एचआर को लाजमी देंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी अप्रोच है। इसी तरह आपने अगर लिंक्डइन पे कर रहे हो अप्लाई करने के बाद, लेट से आपने जॉब पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, जो भी उन्होंने जॉब ओपन किया उसको अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप उस कंपनी के पीपल में जाके अपने डिपार्टमेंट के अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट के लोगों से अप्रोच करो, उनको वो जो शॉर्ट नोट है मैसेज उनको वो सेंड करो और उनसे बात करो, उनको बोलो कि यार मैंने जॉब देखी है आपकी तो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे कॉल वगैरह नहीं आ रही, तो वो फिर आपकी सीवी को आगे फॉरवर्ड करते हैं हाई प्रायोरिटी के साथ। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इंशाल्लाह आपको लाजमी लोग अप्रोच करेंगे, आपकी सीवी को एचआर तक पहुंचाएंगे। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है
कि दुबई की खासकर मैं बात करने लगा हूँ, दुबई के अंदर जो है ना, दुबई के अंदर जब आपको एक इंटरव्यू आता है तो प्लीज़ उसको बहुत सीरियस लिया करो, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आपको इंटरव्यू मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत हैं। लेकिन जब आपको एक इंटरव्यू कॉल आ गई है उसको ईजी नहीं लेना, अपना 100% आपने देना है अपना उस इंटरव्यू को। ये वाला समझना है कि यार बस ये आखिरी इंटरव्यू है मेरा, तो इस तरह आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के लिए, उसको लाइट नहीं लेना। और क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं वही कहूँगा, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इंटरव्यूज़ को नॉर्मल नहीं लिया करो। हम क्या करते हैं पाकिस्तान में, मैं था, मैं बताता हूँ आपको, मैं इंटरव्यू होता था, मैं ऐसे ही चला रहता था बगैर किसी तैयारी के, कोई कुछ भी इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है, तो मैं उधर बड़ा लाइट लेता था कि यार ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, यहाँ पे अगर आपको इंटरव्यू मिला है तो आपने उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके जानी है अपनी, और फॉर्मल ड्रेस में जाओ और अपनी 100% दो इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ने लिखा होता है कि जो मेहनत करते हैं उसको लाजमी मिलता है। तो ये जो मैंने आपको आज दो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, ये बहुत ऐसी बातें हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्पफुल किया है मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा भी हुआ है। तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं आपको भी बताऊँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मेरी टेक्निक पे लाजमी अमल करना, ये वाली टेक्निक, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार करते रहो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फैला दो, आगे सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बाय।